अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शावीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज ईद का दूसरा दिन है। अनफॉर्चुनेटली कल हम लोग कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए और आपको विश नहीं कर पाए कि ईद का माहौल था। डेफिनेटली कुछ कामों में बिजी हो गए। सो पहले तो आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल फितर मुबारक। होप के आप लोगों की ईद अच्छे से गुजरी और आपकी आपका रमज़ान का महीना भी अच्छे से गुजरा। यू नो, ईद में हमेशा ईद उल फितर में दो चीज़ें फील होती है, एक तो ईद की खुशी होती है एंड दूसरी होती है रमज़ान के जाने का गम। या अब ईद हो चुकी है और फिर इंतज़ार रहेगा अगले साल के रमज़ान तक। एंड होप के अगले साल तक की जो जर्नी है आपकी और हमारी डेफिनेटली अच्छे से गुजरे, खुशी और यू नो ढेर सारी तरक्की के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन, ओके आई डिडंट से यू ओनली कि आज क्या रिएक्ट करने वाले हैं हम लोग। सो कैसी तेरी खुदगर्जी के ड्रामा के फर्स्ट लुक टीजर वन और टीजर टू के ऊपर पहले ही हम लोगों ने रिएक्ट किया था। यू कैन वॉच इट इन आवर वीडियोस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। तो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कैसी तेरी खुदगर्जी के टीजर 3, 4 and 5। एंड डेफिनेटली आई लव द फर्स्ट लुक एंड द अदर टीजर्स बिकॉज नौमान एजाज हो, दानिश तैमूर हो या दुर्रे फिजान हो, दे ऑल हैव डन अमेजिंग जॉब। आई वॉज रियली यू नो एक्साइटेड टू वॉच द ड्रामा ऑल्सो एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली वेन इज दिस ड्रामा कमिंग गोइंग टू कम आउट। बट या लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, रिंग नोटिफिकेशन बेल, ऑल्सो फॉलो अस इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। इट्स टीजर नंबर 3 फर्स्ट। जिंदगी में कोई भी चीज किसी से मांग के हासिल नहीं की। नहीं, वो क्या है कि आपकी बहन को दिला दिया। एक्शन एक्शन। कहाँ से आई है, किस खानदान की है, किस जात की है। ना इसकी जात हूँ और ना ही इसका खानदान। दिस वॉज अ वेरी हार्ड हिटिंग मैन, दिस वॉज इन अ वेरी नेक्स्ट लेवल। ओह माई गॉड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि दानिश तैमूर इस तरीके का। या डेफिनेटली टीजर 2 में और टीजर 1 में वो लगा था कि ही इज गोइंग टू बी अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर बिकॉज या डेफिनेटली वो अपने पापा से नहीं मिलने देते एक टीजर में वहाँ पर था, बट इतना एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे वो नहीं पता था। सो या टीजर नंबर 4। बिल्कुल नहीं। कैसी होती है मोहब्बत? जिंदगी बर्बाद करके, अगवा करके, जलील करके, माँ बाप को परेशान करके, धमका के, गोलियां चला के। बिल्कुल नहीं। हो जाती है इससे मोहब्बत? बिल्कुल नहीं, आपको हो जाती है। मुझे जैसी मोहब्बत करनी आती है। मोहब्बत को भरे हाय 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 भाई। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव डिसाइड ऑलरेडी डिसाइडेड कि यू आर गोइंग टू वॉच दिस ड्रामा फॉर शो। मैंने तो डिसाइड कर लिया भाई। एंड इफ या इफ यू गाइस वांट, डेफिनेटली आई विल रिएक्ट ऑन द ईच एंड एवरी एपिसोड जब भी आएगा। सो लेट्स वेट एंड या लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी डिटेल्स अबाउट के ड्रामा कब आने वाला है बाहर। सो या टीजर नंबर 5 नाउ। टीजर नंबर 5 5 5 5 5। ओह Oh, nice, nice shot. Which city is this? Okay. शर्म नहीं आती तुम्हें? सड़क पे मारपीट करते हो। कोई है आगे पीछे तुम्हारे पूछने वाले या नहीं? मैं आपसे ना खुद ही पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझे चाहिए और जो
चीज मुझे चाहिए होती है। बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। इंतजार नहीं हो रहा है भाई, बहुत जल्द बोल रहे हो आप। ओके दुर्रेफिशान एंड दे मुस्ते वो कपड़े फ्रांस के इंटरमिस्ट्रीज और ऑल न्यू ड्रामा सीरियल। ओके सो एज आई टोल्ड आई लव्ड इट, आई लव्ड ऑल थ्री टीजर्स एंड डेफिनेटली आई लव्ड you know teaser 1 and 2 and also the first look of the teaser, and definitely this are the amazing teasers, man. I think one of the best teasers or one of the best drama ka concept ya one of the best overall in my jitna hi mera you know Pakistani dramas ke sath jo connection raha hai, I think this teasers has that potential ke ek hi teaser se जो भी ये ऑडियंस जो भी लोग ये इसे देख रहे हैं तो एक ही टीजर से दे विल डेफिनेटली फॉल इन लव एंड दे विल डिसाइड ऑन दैट टाइम ओनली कि हम लोगों को ये देखना है, हम लोगों को ये ड्रामा देखना है। आई थिंक कुछ ड्रामास OSTs की वजह से चलते हैं, कुछ ड्रामास उसके टीजर्स की वजह से चलते हैं, कुछ ड्रामास वर्ड ऑफ माउथ जो आता है पहले यू नो व्हाट आई फील, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस देयर बट आई फील दैट के ऐसे चलते हैं। लेकिन आई थिंक दिस टीजर्स वो अमेजिंग डेफिनेटली, एंड दिस OST जो इतना भी हमें सुनाई दे रहा है राहत फतेह अली खान की राहत फतेह अली खान साहब की जितनी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है और जिस तरीके के उसके लिरिक्स चल रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा पार्ट वो लोग सुना रहे हैं वहीं पर लग रहा है कि दिस OST इज़ गोना बी अ बैंग एंड डेफिनेटली ड्रामा के वर्ड ऑफ माउथ तो पक्का ज़बरदस्त होने ही वाले हैं बिकॉज इतने अमेजिंग तरीके से जो टीजर्स आए हैं जो कॉन्सेप्ट आया है आई डोंट थिंक ये ड्रामा फ्लॉप होएगा। बट स्टिल वी जस्ट कांट यू नो किसी का कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है बट अंटिल नाउ जितना भी अब तक मैंने स्टफ देखा है आई फील दिस गोना बी द रॉक स्टार, दिस इज गोना बी अ बैंग ऑन, दिस इज गोना बी यू नो किल एंड दिस इज गोना बी द अमेजिंग ड्रामा। लेट्स वेट एंड वॉच बट आई लव द टीजर्स मैन, आई लव द टीजर्स, आई लव ऑल द टीजर्स एंड बट डेफिनेटली टीजर नंबर 3 वॉज रियली यू नो हार्ड हिटिंग बहुत ही यू नो दानिश बोल रहा हूँ मैं, दानिश तैमूर का एक यू नो वो जो अग्रेसिवनेस है या फिर जो उनकी यू नो मोहब्बत को पाने की जो चाहत वो जुनून वो जिद और वो गलतियाँ उनकी हैं वो भी पसंद आ रही हैं। एंड या टीजर नंबर 5 इज़ गुड, यहाँ पर लग रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम मे बी दानिश तैमूर मीट्स द गर्ल। एंड टीजर नंबर 4 में जो बोला गया था कि क्या ये ज़रूरी है तो डेफिनेटली दिस दैट वॉज अ नाइस वन बिकॉज जो उनके डायलॉग्स थे और उनका जो आंसर था हाँ मुझे ऐसे ही आता है बस हाँ ऐसे ही करना आता है दैट वॉज बैंग ऑन, आई लव्ड इट। सो या दिस वॉज माई रिएक्शन ऑन कैसी तेरी खुदगर्जी टीजर्स। इफ यू गाइज लव्ड इट प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, रिंग नोटिफिकेशन बेल, ऑल्सो फॉलोज ऑन इंस्टाग्राम्स के लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। दिस इज मोहम्मद शावीज साइनिंग ऑफ।